What's up everybody, this is Sharik Bakshi and welcome to my YouTube channel. Guys, तो स्वागत है आपका आज के नए व्लॉग में यार. तो भाई कश्मीर में हो रही है बहुत ही मज़ेदार बर्फ. बहुत बहुत ज़्यादा वेट करने के बाद फाइनली फरवरी में बर्फ पड़ रही है. तो कुछ दिन पहले एंडिंग जैन के अराउंड गुलमर्ग और सोनमर्ग साइड से बर्फ़ पड़ी थी थोड़ी बहुत, बट श्रीनगर में आज पड़ रही है एक्चुअल बर्फ. कल थोड़ी बहुत हल्की सी हुई थी, उससे पहले भी थोड़ी सी हुई, बट वो उधर ही मेल्ट हो रही थी. तो आज प्रॉपर बर्फ़ पड़ रही है और बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं. तो यार बर्फ़ का बहुत वेट किया है, आज करेंगे थोड़ा बहुत एंजॉय और देखते हैं यार कैसा जाता है दिन. आई होप आप लोग भी स्नोफॉल एंजॉय कर रहे होंगे और जो भी कश्मीर यार घूमने आए हैं उनके लिए तो भाई आज ईद है. ठीक है, तो यार करते हैं आज का व्लॉग शुरू. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो यार अभी हम जा रहे हैं बाहर, मैं और मॉम रेडी हो रही है अभी. और ये रहे मेरे शीन बूट जो मैंने निकाले बहुत टाइम के बाद. तो ये स्नो बूट आज पहनेंगे और देखते हैं बाहर कैसी बर्फ है. बहुत टाइम के बाद लगा रहा हूँ यार मैं ये, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से पहने नहीं, क्योंकि बर्फ़ तो पड़ नहीं रही थी इस विंटर्स में. आज तो काफ़ी टाइम के बाद बर्फ़ पड़ी है और एक्सपेक्टेड भी नहीं था. अब यार अब तो मुझे लगा था कि अब एंड हो जाएगा विंटर्स का बिना बर्फ़ देखे, बट अल्हम्दुलिल्लाह बर्फ़ पड़ गई. एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड. ओहो ठंडे यार, बहुत ठंडे भाई, बहुत ज़्यादा ठंडे पड़ रही है. अभी भी हल्की हल्की मस्त बर्फ़ पड़ रही है. लवली. मज़ेदार बर्फ़ हो रही है कश्मीर में. और यार जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और लाइक करो वीडियो को और इस बर्फ़ को एंजॉय करो. अमेजिंग हाँ, मुझे लगा था यार इस बार इस विंटर में देख ही नहीं पाएंगे ये बर्फ़. ओहो हो कितना मिस कर रहा था मैं. पिछले आपने अगर देखा होगा पिछले साल के व्लॉग में बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ी थी, तो उसमें मैं बर्फ़ में बहुत बहुत ज़्यादा घूम रहा था, काफ़ी अमेजिंग था. नहीं देखे हैं तो पिछले व्लॉग्स देखो भाई. ओहो अलग ही फील ही अलग होता है भाई बर्फ़ का. ये जो बर्फ़ को टच करने का फील है ना, इसमें अलग ही मज़ा आता है. और विंटर्स यार, अगर विंटर्स में बर्फ़ ना पड़े तो अधूरा लगता है. मतलब लगता है कुछ मेन चीज़ मिसिंग है विंटर्स में से. सो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए यार, बर्फ़ पड़नी चाहिए. यहाँ पानी भी बहुत जमा हो गया है क्योंकि छत से बर्फ़ गिर रही है. तो अब यार मैं निकालता हूँ गाड़ी और हम निकलते हैं बाहर की तरफ. ठीक है, मैं देखता हूँ मॉम भी रेडी हो गई होंगे अभी. तो अभी चलते हैं, आप लोग बर्फ़ एंजॉय करो सब. सो यार गाड़ी पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमा हो गई है, पर से कुछ वाइपर मिल नहीं रहा मेरे को जिससे मैं ये हटाऊं. हाथ भी जम गए. ओहो रात को माइनस हो जाएगा, -4-5 जा रहा है इन दिनों. अगर ये हटाई नहीं अभी बर्फ़ अच्छे से तो ये पूरी फ्रीज हो जाएगी, फिर तो उठाना इसका बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है भाई इसको उठाना फिर. इसलिए अभी इसको पूरा साफ करना पड़ेगा. ओहो हो उंगलियाँ जम गई, यहाँ से बर्फ़ भी गिर रही है छत से. सो गाइस गाड़ी साफ़ कर ली अब जितनी हो पाई. अभी थोड़ी बहुत बर्फ़ बची है इसमें, बट ये नहीं उठेगा अब. और यहाँ मॉम रेडी हो गई है, चलें
ऑडियंस को कुछ बोलो, कैसी लग रही बारा? बहुत अच्छी लग रही है, फर्स्ट पार्क सीजन की है ना। हाँ, मेरी तरफ से ऑडियंस को सलाम, दुआएं, बहुत बहुत दुआएं। आपको कर रहे होते सारे मिस तो कमेंट्स में भी इनको बोलना कि मैं भी मिस कर रही हूँ इनको। ठंड है ना बहुत, बहुत ठंड है। हाथ जम गए यार बर्फ साफ करते करते, माइनस हो जाएगा शाम को 4-5, माइनस 5 तक जाएगा, पानी भी जमा हो गया। चले शूज कौन सा लगाया आपने? है बर्फ का वाला, लंबा वाला नहीं लगाया ना, ये बर्फ वाला है दूसरा। अच्छा ये ठीक है ना, थोड़ा सा ये है बढ़िया। हाय चलो निकलते हैं यार। पानी पानी हर जगह है, ठंड बहुत है भाई। सो गाइस यहाँ पे चल रहा है भाई सांत नगर में फ्लाईओवर का काम, और सड़क की हालत बहुत ही ज्यादा खराब। सब कुछ खोद के रख दिया है यहाँ, है ना? हालत देखना, और ये जब भी बर्फ बारिश हो जाती है यहाँ की हालत बहुत खराब होती है, बहुत ज्यादा सड़कें बहुत ज्यादा वर्स्ट हो, पानी भी जमा हो गया ना यहाँ, और बर्फ की वजह से ज्यादा बर्फ से ही पानी। हे गाइस, तो हम यार घर वापस आ चुके हैं, और बेसिकली क्या हुआ कि जब हम बाहर थे तो GoPro की जो बैटरी है वो अचानक से डेड हो गई, जबकि 70% दिखा रहा था कि चार्ज है उसमें, बट आई थिंक वो ख़राब हो गई है और वो सडनली बंद हो गई, और स्पेयर बैटरीज जो थी वो सारी घर पे थी, तो मैं बाहर फिर शूट नहीं कर पाया। तो हम बेसिकली बाहर गए थे थोड़ा सामान वामान लाने, और पुफी के पास गए थे वहाँ नज़र देने के लिए थोड़ा। तो अब हम घर आ चुके हैं और मैंने बैटरी चेंज कर ली, ये वाली फ़िलहाल चल रही है, लेट्स सी। मेरे पास 3 बैटरीज है बेसिकली इसकी स्पेयर, बट मुझे लग रहा है कुछ इशू है बैटरीज़ में, क्योंकि अब टाइम भी इसको काफ़ी हो गया है, तो आई थिंक नई बैटरीज लानी पड़ेगी। सो लेट्स सी। फिलहाल मेरा यहाँ पे यार लाइटिंग का सेटअप आ चुका है, सो मेरा सेकेंड लाइटिंग सेटअप ये B22 होल्डर है बल्ब के लिए, और यहाँ पे ये मेरा एक क्या बोलते हैं इसको, एडाप्टर ना, C-Type2A-Female वो है, और ये ट्राईपॉड है, ट्राईपॉड मतलब इसका ट्राईपॉड, लाइट का, लाइट वाला ट्राईपॉड। अरे ये कुछ टूटा हुआ लग रहा है, टूट गया है, टूटा हुआ है ये, काफ़ी बढ़िया वरना ट्राईपॉड है लाइट के लिए। ये मेरे पास ऑलरेडी एक है बट ये डैमेज्ड है, अब इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसमें भी कोई इशू तो नहीं है क्योंकि सारा साथ में ही है, बट रिटर्न एक ही करना पड़ेगा। और ये तो अम्ब्रेला है, देख लिया मैंने, ये इसमें कुछ है नहीं ऐसा खास, तो बढ़िया है ये लाइट के लिए, ताकि सॉफ्ट लाइट आ जाए। सो अब देखते हैं, इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, बट बाकी आई थिंक ठीक है। एडाप्टर वो चेक करना पड़ेगा, अगर वो ठीक हुआ तो सही है, और B22 वाला भी चेक करना पड़ेगा लाइट का होल्डर, वो भी अगर ठीक हुआ तो फिर सही है, फिर खाली ये ट्राईपॉड करना पड़ेगा यार, ये टाइम लगाते हैं बहुत ज़्यादा रिप्लेस करने में, देखते हैं आप कितने दिन में आता है। बेस टूटा हुआ है इसका, बाकी सारा ठीक है, बट ऑब्वियसली उस पर स्टैंड नहीं रहेगा अच्छे से, फिर तो लाइट गिर सकती है, और कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे रखने का, रिप्लेस तो हो जाएगा बट टाइम लगेगा थोड़ा सा आने में। सो ये मैं बाकी चीज़ें अब चेक करूँगा, देखते हैं कैसा है। ये मेरा बेसिकली सेकेंड लाइटिंग सेटअप है, एक ऑलरेडी आप लोगों ने देखा होगा पिछले व्लॉग में, मैंने डाला था एक व्लॉग में लाइटिंग सेटअप के बारे में। सो अभी अब मैं चाय वाय पीऊँगा, और मॉम देखते हैं वो शायद चाय, उसमें बोला बना रही हूँ चाय, तो
चाय पियेंगे, ठीक है, और फिर ये चीज़ें चेक करता हूँ मैं। हे गाइस, तो यार मैंने सारी चीज़ें चेक कर ली, सारी चीज़ें ठीक है, सिवाय जो अपना ट्राईपॉड आया है वो डैमेज्ड है, वो रिटर्न करना पड़ेगा। और जो गोप्रो की बैटरीज है यार, सैड पार्ट इज़ की वो सारी बैटरीज़ ख़राब हो गई है, तीनों बैटरीज़ ख़राब है। एक बैटरी में थोड़ा बैकअप निकल रहा है जिससे मैं रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ अभी, बट ये भी ख़राब हो गई है, तो ये भी बंद हो जाती है। अब बैटरीज़ देखनी पड़ेगी, नई बैटरीज लानी पड़ेगी, और तीनों की तीनों ख़राब हो गई, तो वो इशू है। तो जब तक नई बैटरीज नहीं आती तब तक शूट नहीं हो पाएगा अच्छे से। लेट्स सी, और बस दैट्स इट। तो मैंने सोचा यार आज थोड़ा डेली व्लॉग टाइप्स करते हैं, काफ़ी टाइम नहीं किया है इस टाइप की व्लॉग्स। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा यार, और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जिनने चैनल पे, तो जल्दी से यार सब्सक्राइब करो, अमेजिंग कंटेंट आने वाला है, और तो बहुत मज़ेदार रहेगा। और इस वीडियो को ज़रूरी लाइक करना, ठीक है। तो यार मिलेंगे दोबारा नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, खुदा हाफिज़।